गोलियों की आवाज सुनी। कितनी देर लगभग चलती रही गोलियां? वही 10-15 मिनट। यहाँ पर उतनी नजर नहीं थी, एक गाड़ी आई पहले, उसी को नजर किया कि एक गाड़ी आई, सोचा कि वैसे आए होंगे घूमने। हम लोगों ने ये समझा कि शिकारी हैंगे, शिकार कर रही होंगे। हम लोगों ने दिमाग भी नहीं लगाया और ये जो पक्षी है वे चिल्ला रहे। दोपहर करीब 12:15 बजे झांसी के बड़ा गांव इलाके के सुनसान डैम के पास अचानक गोलियां चलने लगी। वहीं थोड़ी दूर पर कुछ लोग काम कर रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर पहले तो वहां मौजूद लोगों को लगा कि कोई शिकार कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गाड़ियों का काफिला मौके पर पहुंचने लगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे तो उन्हें पहले ही रोक दिया गया। बाद में जानकारी मिली कि अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी गुलाम का एनकाउंटर हो गया है। वहां मौजूद लोगों ने यूपी तक से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने एनकाउंटर के समय क्या कुछ देखा और क्या सुना। एनकाउंटर स्थल से कुछ दूर पर हम हैं, यहाँ पर जो ब्रिज है, जो यहाँ पर पाइशा डैम का, वहाँ पर कुछ यहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे, उनसे जानकारी करते हैं। जी आपका क्या नाम है? हमारा जीतन जी। आप यहाँ क्या बजे से काम कर रहे हैं? 10:30-11 बजे के लगभग। 11 बजे से जब यहाँ पर जो पुलिस, और जैसा कि पुलिस का कहना है यहाँ पर मुठभेड़ हुई है, क्या आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी, गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनी थी? गोलियों की आवाज़ सुनी। कितनी देर लगभग चलती रही गोलियां? वही 10-15 मिनट। 10-15 मिनट गोलियां चली हैं। हमारे साथ में और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर जो गोलियां चल रही थी तो कितना समय गोलियां चली और कैसे क्या है। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी बताइए, जब आप यहाँ पर काम कर रहे थे तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सुना है आपने? हम पाइप डाल रहे थे ब्रिज पे, जहाँ पे तो केवल गोली की आवाज आई। गोली की आवाज आई। कितना फोर्स लगभग होगा जब अचानक यहाँ 2-4 गाड़ी ठाणी तो गोलियां चली, तो क्या आप लोगों में भगदड़ मची, क्या कैसा क्या है? नहीं भगदड़ नहीं, हमारी तो गाड़ी चल रही थी, ड्रास है, ब्रिज पे काम कर रहे हैं। क्या ये जैसा आपने, जैसा कि पुलिस का कहना है कि यहाँ पर हम पीछा जो जो अतीक अहमद का लड़का है, उसका सूटर साथी था, जो कुछ ऐसा नजर आया पीछा करते हुए टीम का भागते हुए, हम लोग काम कर रहे थे, पाइप वाइप डल रहे थे, अगर पाइप पे ज्यादा नजर थी, यहाँ पर उतनी नजर नहीं थी, एक गाड़ी आई पहले, उसी को नजर किया कि एक गाड़ी आई, सोचा कि वैसे आए होंगे घूमने। क्या दोनों ओर से गोलियां चल रही थी क्या? नहीं, 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 जैसे झाड़ियों में हो रहा था ये। आप लोग भी दहशत में आ गए थे क्या, गोलियां की तड़तड़ाहट सुन? नहीं, हम लोगों ने ये समझा कि शिकारी हैंगे, शिकार कर रही होंगे। हम लोगों ने दिमाग भी नहीं लगाया और ये जो पक्षी है वे चिल्ला रहे थे, चाह कर रहे। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ एनकाउंटर हुआ? जो बाद में गाड़ियां आई, इसलिए फिर वहां चला। बड़े गांव चौकी से आई गाड़ी, चौकी से गाड़ी रफ्तार में आई, यहां तक उसने सायरन बजाई, इसके बाद यहां से वापस चली गई गाड़ी। फिर यहां पे फोर्स है, काफी फोर्स दिखी, तो फिर यहां हंगामा हो गया, काफी लोग, गांव के बासी लोग भी आ चुके हैं, तो सब लोगों को पता चला कि इनका यहां पर एनकाउंटर हो गया है दो लोगों का। तो फिर काफी लोग है, CMSOV बहुत सी गाड़ी आई है, अब अभी भी आती जाती रह रही हैं गाड़ी। अब वहाँ का तो पता नहीं है कि कैसा क्या हुआ मुठभेड़ में, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो आपने देखा, इनका साफ साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर ब्रिज पर काम कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी और उन्होंने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर कोई शिकार हो रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद पुलिस की टीम गाड़ियाँ आई, तब इन्हें पता चला कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।